हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज़। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूनानी आक्रमण, और देखा था उस क्रम में कि किस प्रकार से भारत पर विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले ईरानी आक्रमण होते हैं और उसके बाद होते हैं यूनानी आक्रमण। इन दोनों आक्रमण जो हमने पढ़े थे, उससे पहले हम लास्ट वीडियो में ये पढ़ चुके थे कि मगध साम्राज्य जो था उस पर नंदों का शासन चल रहा था, और नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद, और घनानंद की जो है मृत्यु कर देता है कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश को स्थापित कर देता है 321 BC में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं बात करूं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश जो है 321 BC से लेकर 185 BC तक मगध पर साम्राज्य करता है, यानी के लगभग 173 ईयर्स तक मौर्य वंश का शासन रहता है। अब हम बात करेंगे मौर्य वंश के शासन में कौन कौन जो राजा थे वह मौर्य वंश में रहे। तो सबसे पहले, क्योंकि संस्थापक जो होते हैं मौर्य वंश के, वह होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र आता है बिंदुसार। यहाँ हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में एक और वीडियो पढ़ी थी जिसमें कि हम बिंबिसार पढ़ा था, वह बिंबिसार अलग था, और यहाँ मौर्य वंश में होता है बिंदुसार। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक होते हैं इसके, उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार जो है राजगद्दी पर बैठता है। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठता है, और अशोक के बाद जो अंतिम मौर्य वंश का शासक होता है वह होता है बृहद्रथ। तो इसको याद रखना इजी है कि सबसे पहले C4 चंद्रगुप्त, B4 बिंदुसार, A4 अशोक, और B4 बृहद्रथ। तो CBAB। तो इस प्रकार से यह मौर्य वंश जो था 173 वर्षों तक मगध पर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में राज करता है। हम बात करें यहाँ पर कि मौर्य वंश की स्थापना क्यों व कैसे हुई, तो हमने देखा है मौर्य वंश की स्थापना के पीछे कारण था घनानंद, जो कि क्रूर शासक होता है नंद वंश का। और जब घनानंद के दरबार में चाणक्य जो है उसके राज दरबारी होते हैं, और वह चाणक्य का कर देता है अपमान। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य निकल जाता है और एक व्यक्ति को चुनता है, वह होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में शिक्षा भी देता है, और लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से 325 ईसा पूर्व तक, 326 ईसा पूर्व में जब आक्रमण कर देता है यूनानी शासक सिकंदर, तो तक्षशिला के पाठ को वह जीत लेता है। और तक्षशिला के पाठ को जीत लेता है, तो यहाँ यह भी कहा जाता है कि उस समय जो मगध साम्राज्य था वहाँ तो घनानंद का शासन चल रहा होता है, तो यह भी बताया जाता है कि यह उसी दौरान तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह मिले थे सिकंदर से भी। हालांकि इन बातों को बहुत सारी जो किताबें हैं वह सच नहीं मानती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तक्षशिला में जो शिक्षा देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, वह देता है चाणक्य, और चाणक्य ही बदला लेने के लिए आक्रमण करवा देता है किस पर, घनानंद पर, और घनानंद की हो जाती है हत्या। और इसके बाद इस जो मौर्य वंश जो है वह मगध पर साम्राज्य करता है, या फिर अपना वंश स्थापित कर लेता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि स्थापना क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। तो हुई थी किसके द्वारा कराई गई थी, चाणक्य द्वारा कराई गई थी। अब हम बात करेंगे मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमारे पास दो तरह के हैं, एक हैं इसके साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं इसके पुरातात्विक स्रोत। तो जो साहित्यिक सोर्सेज हैं, तो साहित्य में इनकी कुछ किताबें हैं, जैसे कौटिल्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक रची थी, तो वहाँ से जानकारी मिलती है किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। तो इनकी जो जानकारी के स्रोत हैं वो दो प्रकार से हैं, एक हैं इसके साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं इसके पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आती है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो किताब है वह चाणक्य द्वारा लिखी गई है। दूसरी जानकारी के स्रोत में आती है पुस्तक इंडिका। जो इंडिका थी वह मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, और मेगास्थनीज कौन था, या आप भली भांति जानते हैं कि मेगास्थनीज ही क्या था, सेल्यूकस निकेटर के राज दरबार में दरबारी था, और यह था एक यूनानी शासक। बाद में हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है आक्रमण कर देता है तक्षशिला पर, और वहाँ का जो शासक होता है सेल्यूकस निकेटर, उसको सेल्यूकस निकेटर हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि होती है। और जो संधि होती है, तो संधि में जो उनका राजदरबारी था मेगास्थनीज, उसको लेकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने दरबार में आ जाते हैं, और उनको 500 घोड़े देकर वहाँ से भगा देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले अर्थशास्त्र में चाणक्य द्वारा, उसके बाद इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, और एक है पुस्तक मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि यह पुस्तक किसने रची है, तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से याद रख लेंगे।
तो मुद्रा राक्षस की मैं बात करूं तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, और मुद्रा राक्षस के ही एक उदाहरण में यह लिखा गया है कि किस प्रकार से चाणक्य जो है अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देते हैं और घनानंद की मृत्यु करवा देते हैं। तो इस बात की जानकारी कि चाणक्य ने ही घनानंद की मृत्यु कराई थी, यह कहाँ से मिलती है? यह मिलती है मुद्रा राक्षस के एक उदाहरण से। तो यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि यह जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, यहीं से इस बारे में पता चलता है कि चाणक्य ने किस प्रकार से कूटनीति से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाई। उसके बाद जो साहित्यिक स्रोत में वह आते हैं जैन और बौद्ध ग्रंथ, क्योंकि इस समय पर जैन और बौद्ध ग्रंथ जो थे दोनों ही अपने प्रयोग में थे। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। अगर मैं बात करूं पुरातात्विक स्रोतों की, तो पुरातात्विक स्रोतों में कि आप देखेंगे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस प्रकार से अशोक के बहुत सारे शिलालेख जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, क्योंकि हमने देखा है मौर्य वंश का शासक होता है अशोक, और इसी अशोक के जो शिलालेख हैं, इसने बहुत सारे शिलालेख जो है खुदवाए थे पत्थरों पर, तो वहाँ से भी जानकारी हमें मिलती है मौर्य वंश के बारे में। दूसरा मृदभांड जो है नॉर्थ पोलिस जो कलर प्रिंटेड वो है मृदभांड है, वहाँ से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ में बात करें तो भवन स्तूप और गुफाएं, तो भवन स्तूप और गुफाएं यह सारे क्या है पुरातात्विक स्रोत हैं जिन जिनके माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो है नाम से जैसे आपको लग रहा होगा कि इसके बारे में क्या मतलब पैसे के बारे में होगी या क्या होगी। अर्थशास्त्र जो है बेसिकली यह जो किताब थी वह चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, और यह राजनीति विज्ञान के बारे में दिया गया है। तो अर्थशास्त्र एक राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसमें यह जो है इसकी भाषा संस्कृत ग्रंथ है, मतलब संस्कृत भाषा कहें या फिर प्राकृतिक भाषा जो थी वह अर्थशास्त्र उसी भाषा में लिखी गई है। और लिखी किसके द्वारा गई है? तो चाणक्य द्वारा। और इसका विषय है राजनीति विज्ञान, मतलब राजनीति कृषि और न्याय के बारे में यह बताती है। साथ में बात करूं अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, उसमें ही राजा के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो राजा के सात सिद्धांत होने चाहिए, या फिर मैं कहूँ तो इसको मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं तो जो राज होता है किसी भी जगह पर राज किया जाता है उसके सात सिद्धांत जो हैं चाणक्य ने बताए हैं, जिनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वह होता है सम्राट। सम्राट अर्थात अशोक, मतलब सम्राट कहें या फिर कहें राजा। तो सम्राट या राजा जो होता है वह सबसे ऊपर होता है, किस में? राजा के सप्त सिद्धांतों में। तो सबसे ऊपर आता है सम्राट। दूसरा जो सात सिद्धांतों में से दूसरा जो तत्व है वह है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री, जिनके माध्यम से शासन किया जाता था। तो राजा सर्वे सर्वा होता था, और राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री परिषद होती थी, जैसे आधुनिक काल में हम देखते हैं राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ ही उसकी कुछ मंत्री होते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे ऊपर होता था सम्राट, और सम्राट की सहायता के लिए होते थे अमात्य, और अमात्यों को भी क्या कहा गया है? मंत्री कहा गया है। अगर तीसरा बात करूं सिद्धांत, तो वह होता है दुर्ग, मतलब दुर्ग या फिर किला। तो दुर्ग जितने अच्छे होंगे उसी प्रकार से शासन जो है राजा का मजबूत प्रशासन होगा, या फिर सुरक्षा जो है मजबूत होगी। तो सातवें सिद्धांत में तीसरा आता है दुर्ग, और चौथा आता है कोष या फिर कर प्रणाली। तो कर प्रणाली या कोष भी यह राज का बहुत बड़ा तत्व है। पांचवी आती है बल या फिर सेना, और इसमें छठा आता है मित्र, और सातवां होता है राष्ट्र। सातवां राष्ट्र, राष्ट्र कहें तो भूमि या फिर देश। तो यह राजा के सात सिद्धांत जो हैं बताए गए कि इसमें अर्थशास्त्र में। साथ ही अर्थशास्त्र में एक जगह यह भी लिखा गया है कि जो आठवां इंपॉर्टेंट भाग होता है राज का, तो वह होता है शत्रु। शत्रु अर्थात दुश्मन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पुस्तक की, और वह है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है इंडिका। तो इंडिका जो है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, और यहाँ से हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। तो मेगस्थनीज जिस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य 305 BC में जब वह युद्ध लड़ते हैं किसके साथ? तक्षशिला के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो वह उसको हरा देते हैं, और बदले में मेगस्थनीज को अपने दरबार में लेकर आ जाते हैं। और मेगस्थनीज के आने से जो हमारा इतिहास है उसको हम लिपिबद्ध तरीके से या फिर बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिस प्रकार से मौर्य वंश का संस्थापक बनता है, तो 321 बीसी में वह घनानंद की मृत्यु कर देता है और 298 बीसी तक शासन करता है। किसका? मौर्य वंश का। तो इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, वह एक बहुत ही शक्तिशाली शासन जो है, इसने मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए मगध को बहुत ज़्यादा उसका विस्तार किया था। अब हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम जो हैं सेंडोकोर्स और एंड्रोकोर्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इनको पढ़ना बहुत बाद में पॉसिबल हुआ, यह भी लिखा गया है कि यूनानी पुस्तकों में जो सेंडोकोर्स और एंड्रोकोर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह निश्चित ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति की बात करूं, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलन में हैं। कुछ ग्रंथ जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का मानते हैं, तो कुछ जो है क्षत्रिय जाति का मानते हैं। तो उसी में जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, वह बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, वह एक क्षत्रिय जाति से बिलोंग करता था। कौन बताते हैं? तो जैन और बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय जाति से बिलोंग करता था। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ और विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस, तो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण ग्रंथ जो है, वह बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, वह एक शूद्र जाति का व्यक्ति था। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, जैन और बौद्ध ग्रंथ बताते हैं उसको क्षत्रिय का, और मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण ग्रंथों में इसको शूद्र जाति का बताया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उसने शासन व्यवस्था का विस्तार या फिर साम्राज्य विस्तार के लिए क्या-क्या कदम उठाए थे। तो यह चीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी देख चुका था कि उससे पहले जब नंदों का शासन था, तो जो यूनानी और ईरानी थे, वो किस प्रकार से पश्चिमोत्तर भाग से आक्रमण करते हैं। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य का जो ध्यान है, वह जाता है कि एकीकृत व्यवस्था जो है राज्य में होनी चाहिए और केंद्रीकरण इसका होना चाहिए। साथ में जो हमारे पश्चिमोत्तर प्रांत हैं, उनको मजबूती के साथ मजबूत करना है। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनका मजबूती से प्रशासन करता है और साम्राज्य विस्तार करता है। तो भारत के एकीकरण का जो श्रेय जाता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख की सेना थी, जिसके माध्यम से उसने पूरे भारत को रौंद डाला था। या फिर कहें तो मौर्यों की तलवार में इतना दम था कि उन्होंने पूरे भारत पर केंद्रीकृत या फिर एकीकृत शासन व्यवस्था को लागू कर दिया था। अब मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की, तो यह उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था और पूरब में बंगाल तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, और जो पश्चिमोत्तर प्रांत था उसमें यह ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक भी इसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो आज का जो भारत है, उससे भी बड़े भूभाग पर शासन चलता था। किसका? मौर्य वंश का। तो इसने पश्चिमोत्तर प्रांत का तो ईरान, अफगान और बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके प्रशासन में और क्या क्या विशेषताएं थी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।